नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था महाभारत काल और बौद्धकालीन छत्तीसगढ़, उनका साक्ष्य उनका प्रमाण हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, तो कुछ जगह हमने याद किए थे। अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। एक से दो बार सारी चीज़ों को, सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होगा, हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही आसान होगा तो नहीं है, और ये सबके लिए कठिन है, केवल आपके लिए नहीं है। तो सारे वीडियोस को ज़रूर एक से दो बार देखिएगा, और ताकि आप उन चीज़ों से फैमिलियर होते जाओगे। हम किसी चीज़ को जल्दी याद कैसे कर पाते हैं, जब हम उनसे फैमिलियर होते हैं। तो हमें अभी छत्तीसगढ़ से फैमिलियर होना है, तो उसे कम से कम एक से दो बार आप जब देखेंगे, पहले बार आराम से, दूसरे बार में स्पीड बढ़ा के, तीसरे बार में 2x स्पीड में, तो आप उससे फैमिलियर होते जाओगे और वो आपको याद होते जाएंगे। इस वजह से आप भी इन सभी वीडियोस को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। तो आज चालू करते हैं हम जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़। अब बौद्धकालीन देखें, बौद्ध काल के बाद हम जैन धर्म देखेंगे, जैन धर्म का प्रभाव क्या क्या रहा छत्तीसगढ़ में। तो ये तो हम देखे थे महाभारत काल के समय में ही, जो ऋषभदेव थे उनका यहाँ साक्ष्य प्राप्त होता है, वन पर्व में हम देखे थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो स्थापना है वो 6वीं शताब्दी में, जो जैन धर्म की स्थापना का साक्ष्य प्रमाणन मिलता है वो आपका 6वीं शताब्दी से मिलता है। तो ये आपको याद रखना 6वीं शताब्दी से। फिर छत्तीसगढ़ में ऋषभ तर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है, तो महाभारत ग्रंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया महाभारत काल वाला जब लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ हमने बताया है, वहाँ लिखा भी हुआ है कि वन जो पर्व है, वन पर्व में आपके ऋषभ तीर्थ के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि गुंजी से, गुंजी जिसे दमू दहरा बोला जाता था, तो वहाँ से इसकी प्राप्ति होती है। किसने बताया इसके बारे में, तो हमारे जो पुरातत्ववेत्ता हैं छत्तीसगढ़ साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे जी ने इसे बताया है। ठीक है, फिर जैन धर्म से संबंधित प्रमुख साक्ष्य क्या क्या है, तो ये हम आगे देखेंगे। प्रमुख साक्ष्य क्या क्या हैं, तो इनके प्रमुख स्मारक रहेंगे, मूर्तियाँ रहेंगी, तीर्थंकर कौन है, इनके बारे में डिटेल से देखते हैं आज। ठीक है, तो प्राचीन स्मारक कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम देखेंगे मल्हार क्षेत्र, शेरपुर क्षेत्र, महेशपुर क्षेत्र, आरंग क्षेत्र। ये आरंग जो रायपुर वाला क्षेत्र है आपके जैन धर्म के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में महेशपुर आपके सरगुजा क्षेत्र से, महासमुंद से शेरपुर क्षेत्र, और बिलासपुर से मल्हार क्षेत्र। तो मल्हार और शेरपुर में आपने बौद्धकालीन जो छत्तीसगढ़ है उसके भी संबंध देखे थे, आप जैनकालीन संबंधित भी देखेंगे यहाँ से, तो इसे आपको याद रखना है। बिलासपुर का मल्हार और महासमुंद का शेरपुर दोनों जगह से रिलेटेड है, सरगुजा का महेशपुर आएगा और आरंग आएगा रायपुर से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि जैन मूर्तियां कहां कहां से प्राप्त हुई है, तो जैन मूर्तियां आपके 3 जगह, रायपुर के आरंग क्षेत्र से, मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारंगढ़ के पुजारी पाली क्षेत्र से, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो अभी नया क्षेत्र बन गया वहां के पुजारी पाली क्षेत्र से, और कबीरधाम के बकेला से, कबीरधाम के बकेला से जैन मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन से थे, तो प्रमुख तीर्थंकर जिनका छत्तीसगढ़ में उल्लेख मिलता है वो देखेंगे हम, ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर हैं, और इनका उल्लेख तो हम देख ही चुके हैं कि महाभारत के ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, इनका स्थान कहाँ से रिलेटेड है, तो शक्ति जो पहले जांजगीर चांपा हुआ करता था, और वहाँ भी कहाँ, तो गुंजई, गुंजी क्षेत्र जिसे दमऊ दहरा के नाम से जाना जाता था, दमऊ दहरा के नाम से जाना जाता था शक्ति क्षेत्र, तो ऋषभदेव का वहाँ वर्णन मिलता है। उसके अलावा बिलासपुर के बूढ़ीघार से भी मिलेगा, बिलासपुर के बूढ़ीघार क्षेत्र जो कि मल्हार के पास है, मल्हार बूढ़ीघार क्षेत्र से भी ऋषभदेव की जानकारी मिलती है। फिर सुमतीनाथ, सुमतीनाथ जो कि 5वें तीर्थंकर थे, सुमतीनाथ वो आपके रायपुर आरंग से संबंधित, रायपुर के आरंग से संबंधित है। फिर आगे देखेंगे शांतिनाथ, शांतिनाथ जो कि 16वें तीर्थंकर थे, तो आप बस्तर के भाटागुड़ा क्षेत्र से देखेंगे, भाटागुड़ा क्षेत्र से, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि शांति से भाटा खानी तो गुड़ दूंगा, शांति से भाटा खानी तो गुड़ दूंगा, भाटा खाने के लिए लोग, बहुत सारे लोग
हिचकिचाते हैं कि भाटा सब्जी नहीं खाएंगे घर में, तो वहाँ से मैंने रिलेट कर लिया कि शांति से खाओ। घर में अगर आप नाटक करोगे तो यही सुनने को मिलता, शांति से खा नहीं तो कूट दूंगा पीट दूंगा। तो वहाँ से हम याद रखेंगे शांतिनाथ भाटागुड़ा, कहाँ तो बस्तर क्षेत्र, ठीक है। भोंगापाल में आपका बौद्धकालीन था और भाटागुड़ा आपके जैन धर्म से संबंधित है, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिनका दुर्ग क्षेत्र नकपुरा से संबंधित है। बहुत ही बड़ा एक मंदिर है, यहाँ स्थापित किया गया है दुर्ग क्षेत्र नकपुरा में, ये बहुत ही फेमस है, आप देखे होंगे अगर गए होंगे तो। फिर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनका संबंध रायपुर के आरंग क्षेत्र से देखने को मिलता है, रायपुर के आरंग से। तो रायपुर के आरंग से आपके 5वें सुमतिनाथ और महावीर स्वामी जो 24वें थे उनका मिलता है। अब जो पार्श्वनाथ की जो मूर्ति ना, हमने अभी देखा था कि बकेला कबीरधाम बकेला क्षेत्र से इसकी मूर्ति प्राप्त हुई, तो पार्श्वनाथ की मूर्ति ही प्राप्त हुई कवर्धा के बकेला क्षेत्र से, कवर्धा के बकेला क्षेत्र से जो पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर उनकी मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये प्रमुख तीर्थंकर 5 देखें, इनके अलावा और भी थे जैसे कि आपके 8वें जैन तीर्थंकर हैं, 8वें जैन तीर्थंकर इनका जो भगवान चंद्र प्रभु है, भगवान जो चंद्र प्रभु है 8वें जैन तीर्थंकर, उनका जो वो पद्मासन जो मूर्ति है, पद्मासन मूर्ति उसकी स्थापना की जाएगी और ये 21 फीट 11 इंच ऊंचा है, तो इम्पॉर्टेंट है, नवीनतम है, आपको याद रखना है। शिवनाथ नदी के तट पर जो 8वें जैन तीर्थंकर है भगवान चंद्र प्रभु, उनकी जो पद्मासन मूर्ति है जो कि 21 फीट 11 इंच की है, उसे दुर्ग के नसिया तीर्थ में स्थापित किए गए, दुर्ग के नसिया में स्थापित किया गया है। फिर आरंग के भांडल देउल मंदिर में, आरंग के जो भांडल देउल मंदिर है जहाँ से आपके महावीर स्वामी की भी साक्ष्य मिलते हैं, महावीर स्वामी का जो मंदिर है वहाँ स्थापित है, उसमें साथ में और किनका किनका है, तो नेमीनाथ का और श्रेयांश की मूर्तियाँ भी स्थापित है। तो आरंग के भांडल देउल मंदिर में नेमीनाथ, महावीर स्वामी और श्रेयांश की मूर्तियाँ स्थापित है। महावीर स्वामी की तो होगी, आरंग क्षेत्र संबंधित है, साथ में आपको नेमीनाथ और श्रेयांश का भी नाम याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में नवा रायपुर में 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ के मंदिर स्थापित किए गए, तो धर्मनाथ भी मिल गए एक नए मंदिर या जिसे जीनालय बोला जाता है का निर्माण किया गया। तो कौन कौन से देखे, पहले ऋषभदेव देखे थे हम, 5वां शांतिनाथ देखे थे, 8वां चंद्रप्रभु देख लिए, नसिया के समीप पद्मासन मूर्ति, फिर हम 15वें देख लिए धर्मनाथ, 16वें देख लिए शांतिनाथ, 23वें देख लिए पार्श्वनाथ, दुर्ग क्षेत्र महावीर स्वामी, आरंग क्षेत्र रायपुर, तो इन सभी के बारे में हमने देखा है। इसके अलावा सोमेश्वर मंदिर अहाते में पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा उपलब्ध है। पार्श्वनाथ ज्योति की 23वें तीर्थंकर हैं, उनकी जो प्रतिमा है आपके राजिम के सोमेश्वर मंदिर में उपस्थित है, उपलब्ध है, ये आपको याद रखना है। फिर रतनपुर में ऋषभनाथ और चंद्रप्रभा की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो कलचुरीकालीन है। तो आगे जब हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में, तो कलचुरी काल के बारे में पढ़ेंगे, तो उस समय से संबंधित आपके ऋषभनाथ और चंद्रप्रभा की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, चंद्रप्रभु की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है। कहाँ से, रतनपुर से, रतनपुर क्षेत्र भी था कलचुरियों का, ठीक है, तो उस समय के हमें मूर्ति प्राप्त हुए, तो ये विशेष आपको याद रखना है। तो क्या था आपके जो जैन धर्म है वो 6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थापना हुई, ये रखना है। प्रमुख रूप से जो ऋषभ तीर्थ है या ऋषभ है देव है उनकी जानकारी आपके महाभारत ग्रंथ से मिलती है, वन पर्व से इसका उल्लेख है। वन पर्व के बारे में बताया किसने, तो हमने देखा था जो हमारे जो पुरातत्व साहित्यकार हैं लोचन प्रसाद पांडे, उनके द्वारा बताया गया था, ठीक है, ये हमने देखा। प्राचीन जो स्मारक कहाँ कहाँ से, तो बिलासपुर, महासमुंद, सरगुजा और रायपुर से मिले, तो बिलासपुर से मल्हार, महासमुंद से सिरपुर, सरगुजा से महेशपुर और आखिरी है सर रायगढ़, रायपुर से आरंग, इन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ। जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली, तो रायपुर के आरंग क्षेत्र से, सारंगढ़ के पुजारीपाली से, कबीरधाम के बकेला से, बकेला में पार्श्वनाथ की मूर्ति है। फिर आगे देखा ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर गुंजी दमोदरा से रिलेटेड है, शक्ति क्षेत्र में आता है और बिलासपुर के बूढ़ीखाल मल्हार क्षेत्र से भी संबंधित है। सुमतिनाथ देखें रायपुर आरंग में है, फिर रायपुर आरंग में हम महावीर स्वामी के बारे में भी देखे थे जहाँ नेमीनाथ और श्रेयांश की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। फिर 8वें तीर्थंकर देखे थे हमने चंद्रप्रभ, दुर्ग नसिया में श्रीनाथ नदी के तट पर 21 फीट 11 इंच इनकी ऊंची मूर्ति स्थापित है, ये देखे हमने। फिर 15वें तीर्थंकर थे आपके धर्मनाथ, इनकी भी मूर्ति स्थापित की गई है, अभी नवरायपुर में मंदिर बनाया गया है। शांतिनाथ थे जो बस्तर के क्षेत्र भाटागुड़ा में स्थित हैं, शांति से भाटा खा ले। पार्श्वनाथ दुर्गा में नकपुरा क्षेत्र में सहू बहुत ही फेमस मंदिर है,
जो कि 23वें तीर्थंकर का है, फिर महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, ये भी आपके रायपुर के आरंग क्षेत्र थे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था आपका जैनकालीन छत्तीसगढ़, जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़, ये मैप में बताया गया महेशपुर सरगुजा क्षेत्र बूढ़ीखार आपका मल्हार ऋषभ से संबंधित। ठीक, गुंजी दमोदर पुजारी पाल जी में मूर्ति प्राप्त हुई, सिरपुर में आपके प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए थे, नागपुरा में 23वें तीर्थंकर, आरंग में आपके 24वें तीर्थंकर सुमतिनाथ का भी उल्लेख मिलता है, नेमीनाथ श्रेयांश की भी मूर्तियाँ हैं, भाटागुड़ा के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित है, ये था। अब आगे देख लेते हैं महाजनपद काल। तो भारतीय इतिहास में यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है। व्यवस्थित इतिहास कहने का मतलब है कि अब एक क्षेत्र के विशेष में राज करने वाले शासकों का उल्लेख आपको मिलते जाएगा। ठीक है, ठीक, तो महाजनपद काल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ से व्यवस्थित इतिहास की जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास में। अब इस दौरान भारत को संपूर्ण 16 जनपदों में बांटा गया था, महाजनपदों में, मैंने बताया आपको, जिसमें से छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और उसमें भी कौशल जनपद, चेदी महाजनपद उसमें भी कौशल जनपद, ठीक, पहले क्लास में हमने देख लिए थे। फिर चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो सुक्तिमती थी, देखा था हमने। ठीक है, फिर ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो बुंदेलखंड का जो पठार क्षेत्र है उसे चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था, और अभी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुंदेलखंड के पठार का केवल पूर्वी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में आता है, बुंदेलखंड के पठार का केवल पूर्वी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। अब नामकरण देखें तो इस काल में छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था, हीरा लाल के अनुसार कालांतर में इसी का अभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ नामकरण हुआ है। जो हीरा लाल काव्य उपाध्याय हैं जिसे छत्तीसगढ़ का पाणिनि के रूप में जाना जाता है, तो उनके अनुसार कहना है कि पहले छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था जिसका अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ नामकरण हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 16 महाजनपद कौन थे, तो एक कंबोज कांधार मिल गया आपका, कुरु हो गया, मस हो गया, सूरसेन, पंचाल, कौशल, मल्लप, बज्जी, अंग, काशी, मगध, चेदी, अवंती, अश्मक, तो ये सबको याद रखना। तो चेदी महाजनपद उसमें आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता था। ठीक है, आपको ये विषयबल हो रहा होगा, तो ये क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये महाजनपद काल को हमने देख लिया। महाजनपद काल में आपका मौर्य काल आएगा, मौर्य काल में हम देखेंगे आगे, ये अलग एक टॉपिक होने वाला है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। महाजनपद काल को आपने देख लिया कि महाजनपद काल में कितने महाजनपद आते थे हमारे छत्तीसगढ़, कौन से जनपद में आता था, उसकी राजधानी क्या थी, कौन सा क्षेत्र था। फिर आगे हमने देखा था कि जो जैन धर्म से संबंधित है छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, तो प्राचीन स्मारक, जैन मूर्तियाँ, प्रमुख तीर्थंकर, इन सभी के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, आप एक से दो बार जरूर इन वीडियोज़ को देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से ये याद हो जाए। तो अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।